वेलकम सर, वेलकम। तो शुरू करते हैं मैम आज का जी सर, प्रोग्राम। बिल्कुल। जी, दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार निषाद है और मैं अपना वीडियो ऑन नहीं आ कर पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है मैम। तो चलिए कोई बात नहीं। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग आज की इस जो वेबिनार मीटिंग में आए हुए हैं। स्वागत है सभी लोगों का। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम नरेंद्र कुमार निषाद, मैं और यूपी से हूँ और इस बेहतरीन सिस्टम में तकरीबन 3 साल से मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हूँ और इसको सीखने का, अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और अपनी अपलाइनों के साथ मिलकर इसे खूबसूरत ढंग से करने का भी प्रयास करता हूँ। यूपी में मेरा जन्म हुआ और मैं यहाँ जम्मू में विजयपुर शहर में आकर करीब 5 साल से रह रहा हूँ और इस बेहतरीन सिस्टम में मैं यहीं पर आया, यहीं पर मैं ज्वाइन हुआ अपनी अपलाइन रमेश सर और सुशील सर के माध्यम से। और इस खूबसूरत सिस्टम में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और आज मुझे को होस्ट के रूप में आने का मौका मिला मीना जी के माध्यम से। तो धन्यवाद मैम जी का कि मुझे को होस्ट का ड्यूटी दिया गया आज। और हमारे आज साथ में जो विजिटिंग लीडर हैं मुन्ना जी, थोड़ा परिचय दे दूं उनके बारे में। कलकत्ता के रहने वाले हैं और सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। हाँ, जी उधर से ही हुआ मैम जी के द्वारा। चलिए अभी ठीक है। तो सर हमारे बीच आ ही चुके हैं। आज का टॉपिक जो है सिक्स बेसिक को डिफाइन करने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। हमारे ग्रेट अपलाइन हैं जी मुन्ना जी। तो सर आप आइए सर, आगे कंटिन्यू कीजिए सर, प्लीज वेलकम। थैंक जी सर, जी सर, नमस्कार सर, नरेंद्र यू सर, थैंक यू, नमस्कार। सर। जय आर सिंह साथियों, वेलकम मेरा नाम मुन्ना मुन्ना सर, वेलकम। महतो। थैंक यू मैम। नमस्कार साथियों, जय आर सिंह। मेरा नाम मुन्ना महतो है और मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को करीब मान के चले 3 साल से मैं सीख रहा हूँ। और हमारे अपलाइन तो आपको पता ही है, बहुत सारे हैं। मैं क्या बताऊँ किनका किनका नाम लूँ। नाम लेंगे तो बहुत सारे हमारे अपलाइन है और मैं इन लोगों को छत्र छाया में अभी मान लीजिए सीख रहा हूँ। और बिजनेस से मुझे जो भी सीखने का मौका मिला है मैं सीखता हूँ, हमेशा सीखता हूँ। और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। और बिजनेस में चलो, इसमें तो मैं पैसा बात की बात है। जो हमारे एक लीडर है महावीर सारण जी का, उनका बहुत वीडियो देखता हूँ। बोलते हैं कि एक पाइपलाइन है जो पैसा का है, जो कि अभी पैसा जिनको जिनको आता है ना, छोटे छोटे छेद हुए हैं उधर से पानी से, मतलब छोटे छोटे छेद से पैसा आ रहा है। बस जिस दिन पैसा आना वो होगा शुरू, हमारे पास रखने की जगह नहीं होगा। इस बिजनेस में सबसे खूबसूरत चीज है सीखने वाला। और इस बिजनेस में मैं सीखता हूँ क्योंकि ये जो इसमें जो बातें बोली जाती है, जो भी मान लीजिए जो सिखाया जाता है, वो किसी भी फील्ड में काम आ सकता है। आप इस फील्ड किसी भी चीज के लेकर आप चलेंगे आगे तो आगे निकल सकते हैं। दुनिया कोई ताकत नहीं है आपको रोकने के लिए। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने अपलाइन का, मीना मैम का, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रमेश महतो जी का कि उन्होंने मेरे को इस सिस्टम का और बिजनेस के बारे में बताया। और बिजनेस ही नहीं, मान के चलिए हमारे जो भी है हमारे जीवन में है वो सब कुछ उन्हीं का देन है और उन्हीं का छत्र छाया में मैं जी रहा हूँ और उनके माध्यम से मैं सीखता हूँ। जब जब भी डिस्टर्ब होता हूँ उनको फोन करता हूँ कि सर मेरा ऐसा बात है वैसा बात है, बोलते हैं। फिर उन्होंने मेरे को दिलासा देते हैं और हमारे को हिम्मत देते हैं, बोलते हैं कि मुन्ना जी टेंशन मत लीजिए, वो जो भी होता है अच्छा होता है। अगर आपके जीवन में दुख भी आ रहा है तो अच्छाई के लिए आ रहा होगा, सुख भी आ रहा है तो अच्छाई के लिए आ रहा है। क्योंकि दुख में कभी घबराना नहीं होता है, क्योंकि दुख के आगे सुख है। और मैं भी, और इतना तो पता है हम सबको, और सबको पता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो आएगा ही आएगा। और इस बिजनेस को मान लीजिए हम लोग अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो कामयाबी तो हम कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कामयाब है लोग यहाँ पे, कामयाब हो निकले हैं, गुजरे हैं, तभी जाके हमारे को इतने बड़े बड़े लीडर को सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है। और हकीकत का बिजनेस है,
हकीकत का पैसा लोग कमाते हैं, तभी जाकर हम लोगों को यहाँ पे हम लोग भी आए हुए हैं। और ये सचमुच का बिजनेस है और हकीकत का पैसा आता है, इसलिए मैं इसको हकीकत में मानता हूँ। क्योंकि मेरा मैंने देखा हुआ है कि हम जो काम करते हैं जो बाहर का, मैं वहाँ पे पैसा मांगता हूँ तो मालिक बोलता है आज नहीं, कल कल नहीं, परसों, ऐसे करता है। मगर ये बिजनेस में हमारा हिसाब किताब भी कंपनी रखता है, वो क्या खरीद रहे, क्या खा रहे हैं, वो सारा सब कुछ हिसाब किताब कंपनी रखता है। और जैसे 7 तारीख से पहले पहले कंपनी हमारा जो भी हमारा चेक बनता है, कंपनी 7 तारीख से पहले पहले वो हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो आप बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि हम काम एक बार करते हैं और खाना खाया, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और हमारे जो भी कमीशन बनता है या जो भी हमारा स्लेब बनता है उसका हिसाब किताब हर चीज का मतलब और देख रेख करता है, और सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और हमारे घर में पैसा आता है। यानी मान के चलिए कि 7 से 8 तारीख नहीं होता, 7 से पहले पहले पहुंच जाता है। अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो वहां पर डिस्टर्ब हो सकता है, 8, 10, 9, 11, 12 तक हो सकता है, मगर इस आरसीएम में मैंने देखा हुआ 7 तारीख से आगे नहीं जाता, पहले हमारा जो भी चेक बनता आ जाता है। इसलिए इस बिजनेस के लिए ना, इस बिजनेस में मैं आया हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में जो भी मेरा विजन है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है मेरा और मैं कामयाब होके रहूंगा, ये कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं बस सिर्फ मैं ऊपर वाले से यही कहता हूँ कि भगवान मुझे बहुत अच्छा रखना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखना, और मैं स्वस्थ वाला प्रोडक्ट खा रहा हूँ अपने आरसीएम में। जो भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए, आज जो हमारी मैम ने जो भी टॉपिक दिया हुआ, हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हमारा है 6 बेसिक के ऊपर बात करना है। 6 बेसिक क्या है और इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे इसके बारे में कि 6 बेसिक क्या है। 6 बेसिक में मान लीजिए एक आदमी को अगर ज्वाइन होता है जैसे, उसको 6 बेसिक के बारे में ही बताया जाता है। और 6 बेसिक जो आदमी अगर सिस्टम को जान लेगा, सीख लेगा और समझ लेगा, वो दुनिया कोई ताकत नहीं है उसको कामयाब होने के लिए, वो कामयाब होने से रोक सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट में आपका है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए इस बिजनेस में आया था। क्योंकि सबसे पहले एक हमारे संतोष जी है, वो कहीं पकोड़े खा रहे थे रेडी पे, और मैं भी वहाँ चला गया और प्रोडक्ट पकोड़े खाने लगा, और वो हमारे सामने 3-4 प्लेट खा गए। तो मैं उनसे पूछा कि सर आपको गैस नहीं बनाता? उन्होंने बोला कि मुझे गैस पहले बनाता है, अब नहीं बनाता है। मैंने कहा क्यों नहीं बनाता है? उन्होंने बताया क्या बताया कि जब से मैं आरसीएम ज्वाइन किया हूँ और उसका तेल जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को गैस नहीं बनाता है। और हकीकत में मैंने देखा उनको 3-4 प्लेट खा लेते हैं और उनको गैस नहीं बनाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा गैस बनाता था। जब से फिर मैंने ज्वाइन किया आरसीएम में, और प्रोडक्ट के लिए ही आया था मैं इस बिजनेस में, क्योंकि इस आरसीएम के जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, उसका कोई मोल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। यानी लोगों को बताएंगे आगे, यानी जैसे हमने प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कोई भी, मान के चलिए कि कोई भी सामान हम यूज करते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, तो ये तो नेचुरल बात है। हम लोग किसी न किसी से तो बात तो करते हैं, कोई ना कोई बात करेंगे। तो अगर हमारे को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम आगे बताएंगे, यानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं उसके बारे में, यानी गुण के बारे में बताएंगे। दूसरा नंबर है अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। देखिए, इस दुनिया में सभी आए हैं, हर आदमी का एक सपना है, कोई ना कोई सपना है, अच्छा गाड़ी लेना हो, अच्छा घर बनाना हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए दुनिया में सभी आए हुए हैं। और हर आदमी काम कर रहा है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो काम नहीं करता पेट चलाने के लिए। तो यहाँ पे पेट चलाने के साथ साथ हम अपने सपने, अपने जो सपने हम जोड़ते हैं अपने आप साथ में, तो उस सपने को हमारे को सबसे पहले ये देखना होगा, चेक करना होगा कि हमने जो सपने देखे हैं, मान लीजिए कि हम अपना हमारा सपना है BMW का, अगर हमारा BMW का अगर सपना है तो हम BMW को साकार करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हमारे को काम कहाँ से करना है कि हम उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 2,200 रुपये का दिहाड़ी लगाते हैं और हम सपने BMW को देखें तो हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे को अपने सपनों को प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। हम सपने जब देखते हैं तो हमारे को उसी तरह से प्लान करना पड़ेगा, यानी अपने प्लान को जिस हिसाब से हम प्लान करेंगे उस हिसाब से हमारे सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे अपने सपनों को प्रोस्पेक्ट अपने सपनों को प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए, यानी अपने करीबी जो दोस्त है यार है जो भी है उनकी लिस्ट बनाए। आइए हम तीसरा नंबर बात करते हैं, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित, यानी हम जब भी कोई भी हमारे दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे हम, और उनसे संपर्क करेंगे और उनसे संपर्क करके उन्हें आमंत्रित करेंगे, यानी बिजनेस के बारे में बताएंगे कि आइए हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम है। उनको लोगों से बताएंगे, उनको बताएंगे आगे,
ये हमारा आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद चौथा नंबर हमारा आता है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाए, यानी सबसे पहले हमें प्लान दिखाना पड़ेगा उनको। चौथा नंबर जैसे भी हम आमंत्रित करते हैं उनको, वो हमारे घर आते हैं या हम उनके घर जाते हैं, तो उनको सबसे पहले हमें बिजनेस प्लान दिखाना है, यानी बिजनेस प्लान क्या है हमारा। बिजनेस प्लान आपको, आप सबको पता है, यहाँ पर जितने लोग ज्वाइन हुए हैं हम सबको पता है कि बिजनेस प्लान क्या है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी है जो कि हम जिस पे हम खड़े होते हैं, वो हमारा बिजनेस प्लान है। और सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हर आदमी के जीवन में लगता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आदमी के जीवन जीने के लिए उसको सबसे जरूरी प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो हमारे साथ में वो बिल्कुल, और समझ लीजिए कि वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो हमारे को सबसे पहले बिजनेस प्लान, चौथा नंबर हमारा बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट के अगर गुण के बारे में हम जानते हैं तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम उसको बता सकते हैं। प्रोडक्ट उसको देंगे, चेक कराएंगे उससे, अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, अगर मान के चलिए 6 महीना का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो हमारे को ये गारंटी है कि वो कहीं दूसरे की दुकान से सामान नहीं खाएगा, क्योंकि आर्टिसन के प्रोडक्ट में इतना अच्छा गुण है। और अपना पांचवा नंबर है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें, यानी 48 घंटे किसी भी बिजनेस को, मान लीजिए हम उस बिजनेस को प्लान को बताएं, किसी भी व्यक्ति को हम बताते हैं, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा। यानी फॉलोअप जैसे भी हम उसको बिजनेस का प्लान दिखाएंगे, वो तो हमारे साथ साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो बोलेगा कि हम अपने घर वाले से पूछ लेते हैं, हमारे पड़ोसी से पूछ लेते हैं, अपने दोस्त से पूछ लेते हैं, इसके बारे में वो पूछेगा। यानी देखिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए हम बोलते हैं कि अपने पड़ोसी से पूछ लेते हैं, अपने घर वालों से पूछ लेते हैं। अगर बताइए, अगर हमारे को अगर पता होता कि नौकरी में, अगर पढ़ाई करके नौकरी मिलता है, तो हमने पढ़ाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों के साथ दिन रात गुल्ली डंडा खेलने में समय को निकाल दिया और पढ़ाई नहीं किया, तो इसीलिए आज मेरे को दिहाड़ी लगाना पड़ रहा है। और आज हमारे भविष्य में एक आरसीएम, एक ऐसा आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि अगर इसको हम अगर अपने हाथ से गवा देते हैं, तो अगर आगे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, बिल्कुल खाली हाथ है, और बिल्कुल अगर आगे चल हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए हर आदमी बोला नौकरी नौकरी, नौकरी तो है नहीं, नौकरी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई। पढ़ाई करके भी आज के देश में नौकरी नहीं, आए दिन आप पेपर में, अखबार में, न्यूज में देखते ही हैं कि नौकरी है नहीं, नौकरी के लिए अभाव है, बिल्कुल लड़ाई लग रही है। तो हमारे को नौकरी के पीछे नहीं भागना है, हमें बिजनेस के पीछे भागना है। और बिजनेस सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि बिजनेस की में खूबी क्या है। इसमें कुछ नहीं, 6 बेसिक को हमें सीखना है। 6 बेसिक को हम जितना अपने मन में उतारेंगे, अपने टीम में फैलाएंगे, उतना आगे हमारे चल के इस बिजनेस को बहुत लाभ देने वाला है, हमारे को और आपके टीम को लाभ देने वाला है। यानी 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है, क्योंकि देखिए वो तो हमारे को, जिसको हमने प्लान दिखा दिया, जिसको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछेगा, 2-4 दिन नखरा तो करेगा करेगा, क्योंकि मैंने खुद भी नखरा किया था। हमारे गुरु जी आए थे, रमेश जी आए थे, मेरे को बताए थे इस प्लान के बारे में, मगर मैंने कहा तो मैंने पहले भी किया था, इससे पहले बिजनेस को किया था, मगर मैंने कहा यार बेकार है वो है। फिर मैंने अपना यूट्यूब पे एक दिन वीडियो देख रहा था अपना मुकेश कोठारी जी का, वो बता रहे थे कि इस बिजनेस में आप छुप सकते हैं मगर बच नहीं सकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग है क्या, है क्या, मगर मेरे को नहीं पता था कि इससे पहले भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया था, मगर उस समय मैं बिल्कुल ना समझता, बिल्कुल मैं नहीं समझता था कि पैसा होता क्या है, नौकरी होता क्या है, तो आपको पता ही है। फिर इस बिजनेस के लिए रमेश जी आए बताए मुझे, फिर मैंने 2-4 दिन के बाद उनके साथ ज्वाइन किया था, और 48 घंटे के अंदर हमारे को, मान के लिए पांचवा नंबर है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। 48 घंटे का अगर फॉलोअप करना है, तो 48 घंटे में ही फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर बताते हैं करना है तो करना है। सिक्स नंबर बताते हैं आपको, ज्वाइनिंग कराए हुआ 6 बेसिक से शुरू करवाए, यानी हमारे साथ कोई अगर ज्वाइनिंग करता है, जो हमारे अप्लाई में हमारे दिखाया, यानी कि 6 बेसिक के बारे में, यानी सबसे फर्स्ट नंबर ये उन्होंने बताया कि लोगों को बताए, और नंबर है लोगों से संपर्क करे और उन्हें आमंत्रित करे, चौथा नंबर है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाए, और पांचवा नंबर 48 घंटे के अंदर फ्लो अप करने। मुन्ना सर अनम्यूट करें आप, आपकी आवाज एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका म्यूट का आ रहा है, अनम्यूट करें यार। जी मैम अनम्यूट है मैम। आवाज तो क्लियर आ रही है मैम।
सर की। मुन्ना सर कंटिन्यू कंटिन्यू करें आप। जी मैम आ रही आवाज? जी सर जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो हम सिक्स नंबर आपको, अब हमारा जो लास्ट है सिक्स बेसिक का जो है, सिक्स नंबर ज्वाइनिंग कराए और सिक्स बेसिक से शुरू कराए। यानी हम किसी भी अपने टीम को ले आते हैं, उसको सबसे पहले तो हमारे को सिक्स बेसिक के रूल के बारे में बताना पड़ेगा, सिक्स बेसिक से उनको शुरू कराना पड़ेगा। जो जाते हैं उनको सिक्स बेसिक के बारे में सिखाएंगे। यानी मान के चलिए हम लोग बहुत, हम भी भागते हैं, ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग के चक्कर में भागते हैं, तो हमें उतना ही ज्वाइनिंग कराना चाहिए जितना कि हम उसको संभाल पाए। हमारे को ना उतना ज्वाइनिंग कराना चाहिए जिसको हम संभाल पाए, सिक्स बेसिक के बारे में बता सके, सिक्स बेसिक रूल्स क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। जितना उसको बताएंगे और उसके पीछे अपना टाइम लगाएंगे, वो एक दिन हम लोगों जैसा ही बन के आएगा और उभरेगा, एक दिन बड़ा टीम बनेगा। क्योंकि हमारा टीम बनाने में हम लोग खुद गलती करते हैं, हम आप सबसे नहीं बोल रहे हैं, हम खुद ही गलती करते हैं। क्योंकि हम इसको भी ज्वाइनिंग करा देते हैं, उसको भी ज्वाइनिंग करा देते हैं और उसके पीछे हम टाइम नहीं दे पाते। सिक्स बेसिक के रूल्स जो है हम उसको बता नहीं पाते। इस बिजनेस का मूल मंत्र क्या है, इसको कामयाबी का राज क्या है, हम उसके बारे में नहीं बता पाते। उसको बोलते हैं कि ये करे कर, बस एक दो दिन उसके पीछे भागते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। हमें एक भी ज्वाइन एक ही ज्वाइनिंग कराए, मगर उसको सारे सिस्टम के बारे में बताए। जिस दिन उस बंदे को अगर सिक्स बेसिक का अपना और क्या बोलते हैं सेवन कार्डिनल रूल्स और एट कोर स्टेप्स ये सब सीख जाएगा, और मार्केटिंग प्लान दिखाना सीख जाएगा, और बिजनेस पर बोनस वोनस निकालना सीख जाएगा, वो बिजनेस को नहीं छोड़ सकता है। ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हमारे को जो सुशील सर है, वो मीना मैम है और रमेश जी हैं, इन्होंने मेरे को पूरा इस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, और मैं इसके बारे में रोज पढ़ता रहता हूँ। एक दो दिन बाद बाद मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, और मैं रियल में ही इस बिजनेस में देखा हुआ है कि लोग अमीर बनते हैं और पैसे भी बहुत आते हैं इसमें। मैंने देखा, जितना मैंने काम करता हूँ, जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ, उस हिसाब से मेरा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने कहा क्यों हम बाहर के, मैं दुनिया में खाना प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको बाहर में, हम बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी करेंगे हम अपने आरसीएम करेंगे, जो भी है अपने आरसीएम में, जितना भी प्रोडक्ट आता है वो आरसीएम को होना चाहिए। जो अपने आरसीएम में नहीं है वो बाहर का प्रोडक्ट आएगा, इसके अलावा कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हमारे हमारे दादा परदादा ने भी यहीं से खा के आए हुए हैं, तो हम वहाँ से अमीर नहीं बने। मगर यहाँ से मैंने देखा हुआ कि शुरुआत हो चुका है अमीर बनने का, और ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है। और हम गारंटी है, वादा करते हैं आप सबसे कि अमीर जरूर बनेंगे यहाँ पे। और बाकी का आगे का कार्रवाई के लिए मैं नरेंद्र सर को मैं इन्वाइट करूँगा सर, कि नरेंद्र सर आइए आप। जी थैंक यू सर, थैंक यू मुन्ना सर। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जो आरसीएम का जो इस बिजनेस का सिक्स बेसिक है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, और सिक्स बेसिक के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपने जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ नए होंगे, कुछ हमारे बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं, सभी लोगों को शायद उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ में आया होगा आपने जो बताया कि सिक्स बेसिक के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, और सिक्स बेसिक इस सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में, ये सारी बातें सभी लोगों को समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सर एक बार फिर से आपका। जी सर, देखिए इस बिजनेस को चलाने के लिए हमारे को सबसे पहले तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिजनेस है ये प्रोडक्ट का, और हमारे को प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम चाहेंगे कि आरसीएम से हम पैसा ले ले, तो पैसा नहीं आने वाला है। क्योंकि इस आरसीएम से अगर पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट से ही पैसा आता है। कोई आदमी ज्वाइन करता है तो सोचेगा कि हम ज्वाइन करके पैसा कमा ले, तो नहीं कमा सकता। क्योंकि सिस्टम का मेन रूल है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिकेगा तभी जाकर पैसा आएगा। और हमारे सबसे जरूरी है, सबसे हमारे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने घर का जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा आरसीएम का होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम आरसीएम ज्वाइन किए हैं और नमक किसी और के घर का है, दाल किसी और के घर दुकान का है, तो उससे हमारे को पैसा नहीं आएगा अपने घर से। जी सर कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल सर,
अगर आरसीएम से पैसा लेना है, सही में सही कह रहे हैं सर आप, अगर आरसीएम से पैसा लेना है तो आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि बाहर से। और जो जी सर, रूल, जो इस बिजनेस में जितने भी रोल हैं, जो मान लीजिए आपने 6 बेसिक के बारे में बताया, और जो 7 कार्डियंस रूल हैं, 8 कोर स्टेप हैं, इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा और अपनी अपलाइनों के माध्यम से सीखना पड़ेगा और बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके पैसा आता है, ऐसे ही नहीं आता। आगे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं लोगों के व्यू लेना चाहूंगा कि सर आपकी मीटिंग उन लोगों को कैसी लगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारी अपलाइन है मीना मैम, मैं सबसे पहले उन्हीं से व्यू लेना चाहूंगा। मीना मैम आप अनम्यूट कीजिए, और मुन्ना सर की मीटिंग कैसी रही आप बताएं प्लीज। थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे समय दिया और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो हमारी जूम पे जो आज ये मीटिंग रही, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज को होस्टिंग का जो आपको ड्यूटी दी गई है बेहतरीन तरीके से आप निभा रहे हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मुन्ना सर के लिए कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मुन्ना सर ने एक एक पॉइंट जो 6 बेसिक्स का हमारे सामने यहाँ पर जो हमारे साथ शेयर किया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने 6 बेसिक्स के जो 6 पॉइंट्स हैं इन्हें हमारे सामने यहाँ पर रखा। कि सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने अभी शेयर किया, पहला पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट 100% एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो जब तक हमारे सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक इस प्रोडक्ट में यानी कि सिस्टम में हम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज सर ने यहाँ पर इस मीटिंग में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू मुन्ना सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच में हमारी अपलाइन, हमारी ग्रेट अपलाइन रमेश सर हैं, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूं। तो सर आप अपना व्यू दीजिए, सर आप अनम्यूट कीजिए। रमेश सर शायद मेरी आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे बीच में है राजवंत जी हैं। राजवंत जी आप अनम्यूट कीजिए और व्यू दीजिए सर, मुन्ना सर की मीटिंग कैसी लगी आपको। राजवंत जी हेलो जी आरसीएम, सबको सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की है और मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आप डेली इसी तरीके से मीटिंग में आए और सीखते रहें, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है। अरुण खजूरिया जी आप अनम्यूट कीजिए सर। अरुण सर अरुण सर आप अनम्यूट कीजिए। सर आगे चलते चले। नेहा शर्मा कुलवाल जी, नेहा शर्मा जी आप अनम्यूट कीजिए और व्यू दीजिए। नेहा हेलो जी मैम, जी आर सी एम जी आर सी मैम, जी, मीटिंग बहुत ही अच्छी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी हैं, हम जूस भी कर रहे हैं। थैंक यू जी सर। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। रीना शर्मा जी, जिनका वीडियो भी ऑन है, रीना शर्मा जी आप अनम्यूट कीजिए और व्यू दीजिए। आगे चलिए सर, रीना आगे शर्मा चलिए। जी। नेक्स्ट हमारे बीच में है शिवा महतो जी, वेस्ट बंगाल से हैं, बड़े अच्छे लीडर भी हैं आप। सर शिवा महतो जी आप अनम्यूट कीजिए और व्यू दीजिए। शिवा महतो जी, सोनिया जी हमारे बीच में हैं, आप अनम्यूट कीजिए मैम। जय आरसीएम। जय आर सी मैम, हेलो मैम का माइक म्यूट हो गया है।
हाँ शायद रमेश सर हमारे साथ आ गए हैं, एक बार कर लीजिए बात, कॉल कर लीजिए इनको, फिर से बुला लीजिए आज। ट्राई करना चाहूंगा रमेश सर, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार, कारण से बहुत सारी बातें मैं नहीं सुनाया, मगर कुछ बातें मैंने सुना मुंडी का और सही तरीके से जो को दिया गया था वो तरीके से इन्होंने बताया। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी और थैंक यू सर। थैंक यू, शायद नेटवर्क का चैलेंज है सर के पास, कोई बात नहीं सर। तरसेम राम सर आप अनम्यूट कीजिए। तरसेम सर तरसेम सर आकाश जी, आकाश जी आप अनम्यूट कीजिए। मुस्कान जी हमारे बीच में हैं, आप अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो जी मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर जी, आज जो मुन्ना सर ने सिक्स बेसिक पे बात की अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि हमें प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए और फिर लोगों को बताना चाहिए, तो मुन्ना सर के को थैंक यू बोलूंगी मैं कि उन्होंने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, तो आपका भी सर थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी तकरीबन जितने भी लोग हैं सारे लोगों के व्यू भी हो चुके हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है तकरीबन 5-6 मिनट का, तो नेक्स्ट मैं कंपनी के बारे में कुछ बताने के लिए आगे टारगेट को लेकर जो भी कंपनी का है उसके बारे में बताने के लिए मैं चाहूंगा कि मीना मैम इस 5-6 मिनट में अपनी बात को रखें। जी जी जी, थोड़ा सा कंपनी के टारगेट क्या मीन बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता इतना बढ़िया से, उस दिन सर का तो मीटिंग सुना था। थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू मुन्ना सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया इस चैनल पर आकर, और डेली 8 बजे हमारा ये जो सेशन रहता है, इस सेशन में हम सभी टीम क्रिएटिव जितनी भी है वो सारी की सारी सेशन में इकट्ठी होती है और अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज के इस प्रोग्राम को। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज से हम लोगों ने मैंने शुरू किया है इस चैनल पर रिकॉर्डिंग करना, तो एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ अभी, हो सकता है बीच में अगर कोई चैलेंज रहा तो बात अलग है, अदरवाइज मैं डेली मेरा कोशिश रहेगी यहाँ पर कि मैं हर किसी की मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो जरूर कर पाऊँ। तो स्पेशली मुन्ना सर को मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी कि आज वो हमारे इस मीटिंग के पहले सदस्य हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर, पहले लीडर हैं मुन्ना सर और नरेंद्र सर, जिनकी मीटिंग की आज हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, तो बहुत ही मैं यहाँ पर आज मतलब कि अच्छा फील कर रही हूँ कि हम लोग भी नई नई चीजें जो है वो इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, क्योंकि जूम को हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर ये मान के चलें कि जूम पे हमें आना है और आके बस अटेंडेंस लगा के जाना है, तो ये सिर्फ इस चीज के लिए चैनल नहीं बना हुआ, मतलब कि अगर हम जूम की बात करें तो जूम के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, जूम के माध्यम से हम अपनी टीम को एक कहते ना कि एक धागे में किस तरह से अगर एक ही धागे में सारे मोतियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक अलग अलग मोती को भी हम एक माला में मतलब कि इकट्ठा कर सकते हैं, माला के रूप में ला सकते हैं, तो उसी तरह से इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी टीम चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, हम अपनी टीम को अगर इन चीजों के लेके अवेयर करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी टीम जो है उसके साथ हमारी डेली की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों आज आप लोगों से बात करते हुए, और दूसरी ओर जैसे अभी सर कह रहे थे कि कंपनी के क्या टारगेट्स हैं, तो फ्रेंड्स कंपनी के जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को लेके मैं ज्यादा आज यहाँ पे बात नहीं करूंगी, बट हाँ ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने अपने जो पर्सनल टारगेट्स रखे हुए हैं वो मैंने टारगेट्स पे आप लोगों से पहले एक बार चर्चा कर चुकी हूँ, तो फिर से रिवाइज करना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति कुछ अपनी टीम क्रिएटिव का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किए हुए हैं टारगेट्स, तो आप लोग कोशिश करें उसे जरूर देखें कि हम लोगों ने 5,000 डायमंड क्लब जो है ये कंपनी की ओर से भी कंपल्सरी हो चुका है, और डायमंड क्लब
से हम लोगों ने शुरू किए हैं अपने टारगेट्स। तो डायमंड क्लब को हर व्यक्ति जो है वो करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारे बिजनेस में डायमंड तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है वो डायमंड क्लब ही है। तो जो हमारा मार्च महीने में हमारा रहेगा एक टारगेट, आप सबको पता है कि 15 और 16 अप्रैल को हमारा टीम 10X जो कि आत्माराम सर की माध्यम से हमारा जो एकेडमी है भीलवाड़ा की वो रहेगी। तो उस एकेडमी में वही लोग क्वालिफाइड कर पाएंगे जो लोग मार्च महीने के टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो मार्च महीने से हमारे कंपनी के टारगेट्स भीलवाड़ा एकेडमी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फेब मंथ में भी एक बहुत ही शानदार वही सेम टारगेट्स जो हैं वो फेब मंथ में रखे हुए हैं। आप सभी अपने अपने सीनियर अप्लायंस के साथ टाई अप कर लें, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो कोशिश करें कि हर व्यक्ति जो है वो अगर डायमंड क्लब करता है तो हम बहुत ही शानदार तरीके से उस व्यक्ति का मार्च के मंथ में बहुत ही जबरदस्त हम एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखने वाले हैं। और उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति अचीवमेंट करेगा, जो जो टारगेट्स दिए गए हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट रखा गया है, 10 ज्वाइनिंग का टारगेट रखा गया है, इसके साथ ही सुपर डायमंड क्लब का है, उसके बाद स्टार डायमंड क्लब का है, क्राउन क्लब का है, ऑल वाइटल पिन्स होंगी जितनी भी हमारी यानी कि जितनी भी नए पिन्ने होंगी उन सब का सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी जो सीनियर अप्लायंस हैं उनके साथ संपर्क करें। इस मीटिंग के बाद आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में पर्सनली जो जो उसमें चीजें बताई गई हैं वो शेयर कर दूंगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अगले महीने को, ये कहते हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है 2021 का, तो हम उसे एक अच्छे तरीके से यही कहना चाहेंगे कि एक मतलब कि काफी पिनों पे यानी कि हम छोटी छोटी वाइटल्स की जो पिन है उन पे ज्यादा काम करें, ताकि हमारी टीम के अंदर ज्यादा पिनों के माध्यम से हम लोगों को आगे लेके आए। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए सिर्फ और सिर्फ डायमंड क्लब पे, क्योंकि डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है जिसके माध्यम से हम सिर्फ एक ही क्लब को नहीं बल्कि बहुत सी पिनों को जनरेट कर सकते हैं। बहुत से नए लीडर्स जो हैं वो डायमंड क्लब के माध्यम से उभर के सामने आ सकते हैं। तो जैसा आज अगर बात करें तो आज आप सबको पता है कि न्यूट्रीचार्ज की ओर से जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में न्यूट्रीचार्ज से 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया था, आज लुधियाना में उनका बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन प्रोग्राम और न्यूट्रीचार्ज की ओर से जो फ्री प्रोडक्ट्स और टूल्स दिए जाने थे, तो आज हमारी जम्मू से टीम गई हुई है तो उस प्रोग्राम को अटेंड कर रही है। रेडिसन ब्लू होटल में उन लोगों को वहां पर ये सारे की सारी सुविधा जो है वहां पे दी जा रही है। तो यानी कि अगर हम लोग वही टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को अगर अचीव करते हैं तो छोटी छोटी खुशियां जो है वो हमारे जीवन में आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पर आज बातचीत करते हुए, थैंक यू आप सभी का। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हमारे साथ हमारी अगर हमें समझ में आ सकता है तो जब हमारी टीम इस सिस्टम में आके हमारे साथ बैठेगी तो हमारी टीम को भी समझ में आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे 8 बजे सेम चैनल पर सेम टाइम सेम इसी सिस्टम में। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जहां पर आए और आप लोगों ने इस चैनल पर आकर अपनी अटेंडेंस अपना आप जहां पर ये दिखाया कि आप एक लीडर हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ जय आरसीएम कहना चाहूंगी सभी साथियों को, जय आरसीएम नमस्कार।